अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अपने व्लॉग में मेरी और मेरी फ्रेंड की जो है वो शॉपिंग दिखाऊंगी कि हमारा जो है वो 50 यूरोस का टारगेट है कि हमने विंटर्स की जो है वो शॉपिंग करनी है। तो मेरी फ्रेंड कुछ बोलेंगी अब। हाय गाइस, आप लोगों ने मुझे देखा ही होगा देसी वाइब्स इन डॉयचलैंड में। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं कि हम 50 यूरोस में क्या क्या ख़रीदने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है हमने प्राइमार्क का टूर करना है, उसमें से देखेंगे कि हमें क्या चीज़ पसंद आती है अपने नॉर्मल वेयर के लिए और शूज़ वगैरह या क्लोथ्स। तो आपको पता होगा कि प्राइमार्क में जो है वो हर तरह की चीज़ मिल जाती है, एवरी वैरायटी। मैं कहती हूँ दुनिया जहान की चीज़ें प्राइमार्क में, आप आओ तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी और अच्छी प्राइस में मिलेगी। ये नहीं है कि आपको जो है ना कुछ महंगी चीज़ मिल रही है, आपको आपके बजट के हिसाब से अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो वो आपको यहाँ पर ईजिली अवेलेबल होगी। तो चलें हम चलते हैं फिर प्राइमार्क की तरफ और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं अंदर जाके। लेट्स गो। तो चलें प्राइमार्क में चलते हैं हम। पहले उनको जाने दे फिर हम जाते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंट सेक्शंस हैं हर चीज के, जैसे इस तरफ है। तो गाइज ये लेफ्ट साइड पे जो है कपड़े हैं और हम उस साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे शूज और मेकअप और बैग्स वगैरह लगे हुए हैं। ट्रैवल के रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना कुछ वो भी लगी हुई हैं, बैग्स वगैरह। ये देखो शूज, ये देखो। तो ये शूज और बैग्स लगे हुए हैं। तो ये देखिए कितना क्यूट माशाल्लाह बैग है। और ये है आई थिंक ये पार्टी और ये वेडिंग्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। 16 यूरोस का है। और ये देखें ब्यूटीफुल गुड। तो ये कोट्स वाली साइड है और इधर जैकेट्स और कोट्स लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ 30 से जो है वो 20 पे हुए हैं कोट्स, क्योंकि यहाँ पे अभी वो क्रिसमस की सीजन वगैरह भी चल रही है ना और प्राइमार्क पे वैसे यूजुअली लगी ही होती है सेल। यार इधर नाइट सूट्स, पहले ये ना चेक कर लें। हाँ, ये नाइट सूट्स वाली जगह पे चलते हैं हम। ये देखिए इन्होंने ना पिक्चर्स भी लगाई होती है कि यहाँ पे ये वाले नाइट सूट्स पड़े हुए हैं, ट्राउजर शर्ट हो गया। ये देखें ना, ये बिल्कुल बेसिक सा लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ये ब्लू कलर में। और ये देखें सिर्फ 17 यूरोस के हैं ट्राउजर शर्ट दोनों। ये सारे मेरे ख्याल से 17 यूरोस के हैं। अच्छे भी हैं, वैसे प्रिंट भी अच्छे हैं इस दुकान में। तो फाइनली मुझे जो है वो अपना स्लीपिंग सूट पसंद आ गया। ये ग्रीन कलर में, मैंने पहले भी इधर से लिया था, बहुत ही कम्फर्टेबल था और अच्छी क्वालिटी थी उसकी। और ये 17 यूरोस के मीडियम साइज है। ये वाला मेरे ख्याल से ग्रे कलर है। ये देखें कितना प्यारा टोट बैग है, ऑलिव ग्रीन कलर का, बहुत खूबसूरत बैग है ये। जस्ट 12 यूरोस लिटरली। अच्छा है वैसे, नॉट बैड। इसकी जिप भी है, वैसे ओपन होते हैं ना अक्सर टोट बैग। मेरे के हैंड कैरीज लगे हैं 30 यूरोस के हैं। ये देखिए ट्रैवल एक्सेसरीज लगी हुई है, ये लगेज का स्केल है, इसको कैसे तो आप एंड टाइम पे लाए तो आपके पास वेट करने के लिए नहीं कुछ होता। ये देखो ना, ये डेंगल्स लगे हुए हैं इसके कि आप अपने सूटकेस के ऊपर लगा लो और ताकि आपको पता हो ये आपका ही है दूर से। ये देखिए काफ़ी स्पेशियस है ना। अच्छा आजकल ये चली गई है ना चीज़ें, गया है ना जैसे कि आप इसको ओपन करो तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाती है इसके अंदर, लाइक दिस। बहुत ज़्यादा इसकी ऐड देख रही हूँ। ये वाला जैसे देखें आप, है ना 10 यूरोस का। देखें द बेस्ट थिंग इज ओनली 10 यूरोस। और ये देखो साथ इसके शूज़ भी हैं खूबसूरत। हमारी शॉपिंग नहीं खत्म होने वाली, हम से विंडो शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। ये देखो ना, ये नाइकी के जैसे शूज़ है ना, उनके बूट्स टाइप है ये। मैं पहले प्राइमार्क में अपने निकाले सेपरेटली। इसकी क्या प्राइस है इसके? देखो इसकी है 22। अच्छा है, नॉट बैड। अच्छा है यार, पाकिस्तान में इंसिग्निया वगैरह पे होते हैं ना ऐसे शूज़। ये भी कॉर्नर है इधर शूज़ में, कूजी स्लिपर्स हैं ये, बहुत ही खूबसूरत।
अगर आपने घर में यूज करने अपने नॉर्मल वेयर के लिए। बहुत ठंड होती है ना, तो आप ये वाला घर में भी पहन के यूज कर सकते हैं इजीली। यार बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा। ये सबसे वायरल चीज पड़ी हुई है, हीटलेस कर्ल्स जो आजकल इतने चले हुए हैं ना, कि जो आप रात में गीले बालों पे इसको वो करो और सुबह आपके कर्ल बनने, साथ इसके ये क्लिप ये ऑर्गेनाइजर्स लगे हुए हैं। और ये कितने कितने के लगे हुए हैं? 3 यूरोस के लगे हुए सर। ये बारबी वाली सारी जो है ना वो आइटम्स पड़ी हुई हैं। ये ऊपर भी प्राइमार्क वालों की चलाकी ना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इन्होंने रस्ते में वो चीज़ें लगाई होती हैं कि लोग जो है ना वो रुक रुक के, जिसने जितना बजट रखा होता है उससे ज़्यादा की चीज़ ले लें लोग। देखें ये मैं फातिमा का स्कार्फ यूज़ करते हुए स्क्रीन साफ कर रही थी, होगी है ना वो अच्छी। मैं ना अक्सर प्राइमार्क इसीलिए नहीं आती है, प्राइमार्क या ज़ारा हो गया और एक दो स्टोर्स ऐसे हैं और हैं जिनमें इतनी लंबी लाइन लगी होती है ना कि आप कहते हो कि यार बस। और मैं बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें छोड़ के गई हूँ अगर मैंने एक दो लिए तो। और हम जो है वो 5-6 मिनट से यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारी अभी तक जो है ना वो बहुत दूर बारी है। हालांकि इतने ज़्यादा काउंटर्स हैं, इनको दिखाओ कितने ज़्यादा काउंटर्स हैं, लेकिन लोग से दो तीन तो पीछे तक और मजा आ जाता सब चीजें हैं कि मतलब जाते जाते ऐसे करे बस उठा ले। ये भी एक एक यूरो की भी चीज आपने वापसी पे लगाई है तो मतलब लेनी ही है। तो गाइज फाइनली मैंने अपना हाफ बजट जो है वो प्राइमार्क में कम्प्लीट किया, तो अब हम चलते हैं स्किन केयर की प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो हम DM जा रहे हैं और आप भी साथ चले हमारे, चले। Jeez. Oh. तो गाइज हमारे साथ फ्रैंक हो गए, देखिए शॉपर फट गया। शॉपर अच्छा शॉपर नहीं होता, शॉपर होता। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Mannheim Center जो बारिश में प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बात है, बहुत खूबसूरत। तो चलें आप DM चलते हैं अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। वो हम बालिया लेंगे, इन्हीं का DM का ब्रांड है ये। तो मुझे इनकी नाइसिनामाइड की जो सीरम है वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि कितनी रीज़नेबल है ये सीरम है और ये AHA पीलिंग है, तो मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ। मैं इनका पीलिंग जेल भी ट्राई करूँगी इस दफ़ा, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को रिव्यू दूँगी इसका भी। तो मैंने ये दो प्रोडक्ट्स लिए हैं DM से, और एक तो मैंने पहले यूज़ किया हुआ ये AHA पीलिंग और दूसरा मैं अभी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, तो मैं आप लोग को इसका रिव्यू दूँगी। तो फाइनली मैं घर वापस आ गई हूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे कितने पैसे बच गए हैं 50 यूरोज़ में। तो ये मेरे 12 यूरोज़ बचे हैं। मैंने जो है प्राइमार्क में ऑलमोस्ट 33 यूरोज़ लगाए थे और DM में मेरे 5 यूरोज़ लगे हैं, तो काइंडली अप्रिशिएट मी। उम्मीद है गाइज आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं जल्द आती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफिज़।